अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट बबलू लाहौरी। एंड दोस्तों, ये है इन्फिनिक्स जीरो एक्स न्यू का फुल रिव्यू। बिकॉज ये फ़ोन रिसेंटली आया पाकिस्तान के अंदर, 35,000 प्राइस थी। ऑनलाइन में ये आपको 33 में मिल रहा था, साथ में कुछ गिफ्टिंग थी। ऑफलाइन में ये फ़ोन आ चुका है और फाइनल आपको 31,500 में आफ्टर डिस्काउंट मिल रहा है। तो क्या ये फ़ोन वर्थ इट है? आपको इस फ़ोन को बाय करना चाहिए। मैं इस फ़ोन को कम्प्लीटली टेस्ट कर चुका हूँ, इसके कैमराज, इसकी परफॉर्मेंस, ईच एंड एवरीथिंग। बिकॉज अनबॉक्सिंग वीडियो में मैं लेट हो गया था, तो जब फ़ोन मेरे पास आया मैंने सोचा इसको यूज़ करने के बाद आपको मैं एक यूजफुल वीडियो दूं, जिसको देखने के बाद आप डिसाइड कर पाओ कि ये फोन आपको बाय करना चाहिए या फिर और कोई ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो सारी डिटेल्स होंगी, वीडियो को आगे देखते रहिए। डिजाइन एंड लुक मुझे इस फोन का अच्छा लगा, बिकॉज एक डिफरेंट लुक के साथ आती है। बैक साइड के ऊपर जो मैट और ग्लॉसी का टच है, दिखने में अच्छी लगती है, एक रिफ्रेशिंग लुक है। और जो बिल्ड मटेरियल है ये प्लास्टिक है, जो साइड फ्रेम है वो भी प्लास्टिक रखा गया है। मैंने विदाउट केस कुछ दिन यूज किया तो स्क्रैचेस आ गए हैं इसके ऊपर, बैक साइड के ऊपर। तो एडवाइजेबल ये है कि डब्बे में जो केस मिल जाता है ना, एक नाओ की ब्रांड के साथ, आप उसको यूज़ करें। वो एक अच्छी लुक भी बना देता है फ़ोन की और प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। बाकी बिग साइज़ की डिवाइस है, 207-208 ग्राम के अराउंड वेट है, तो स्टार्ट में थोड़ा सा फील होती है ऑन द हैवियर साइड, लेकिन यूज़ करने पे यूज़ टू बंदा इसके साथ हो जाता है। और उसके अलावा डिवाइस की जो साइड हैं वो भी कर्व हैं, तो जो इन एंड ग्रिप है फ़ोन का वो भी अच्छा आ जाता है। परफॉर्मेंस एज एक्सपेक्टेड इस फ़ोन की काफ़ी ज़्यादा सॉलिड है। बिकॉज मीडियाटेक हेलियो G95 का चिपसेट मिलता है और ये 31-32,000 रुपये की रेंज के अंदर सबसे पावरफुल और एक गेमिंग चिपसेट आप इसको कह सकते हो। अब दो सिनेरियोज हैं, अगर आप गेमिंग नहीं करते, आपका कोई अदर हैवी यूज़ है डिवाइस को लेके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मिलेगी, डिवाइस हैंग नहीं करती, डिवाइस लैग नहीं करती। और अगर आप गेमिंग खेलते हैं तो लाइक पबजी के लिए स्मूथ विद अल्ट्रा 40 FPS तक जाता है। अगर 60 FPS अनलॉक होता तो ज़रा थोड़ा सा मज़ा आ जाता। बहरहाल जो भी है, अच्छा मेंटेन कर लेता है पबजी के 40 FPS को, और कोई इश्यूज़ नहीं मैंने फेस किया। अगर स्क्रीन रिकॉर्डिंग के साथ खेलना चाहते हो तो वो भी मैंने खेल के देखा है, इसके अंदर हल्का सा गेम प्ले चौपी होता है लेकिन प्लेबल रहता है, आप रिकॉर्डिंग के साथ भी खेल सकते हो। थर्मल्स को भी अच्छा मैनेज किया गया, अगर कोई भी हैवी यूज़ करते हो या फिर गेमिंग खेलते हो तो डिवाइस वार्म होती है, ओवरहीट नहीं करती। और आगे से वेदर कंडीशंस भी आपको पता है, हम सर्दियों की तरफ जा रहे हैं, तो ज़रा इस हवाले से कोई इश्यूज़ नहीं आने वाले। और दूसरा है जायरो की कनेक्टिविटी अच्छी है, हार्डवेयर बेस्ड जायरो है, वो भी मैंने खेल के देखा तो सही है, मूवमेंट्स वगैरह हर चीज़ ज़बरदस्त है। तो परफॉर्मेंस के अंदर मैं कहना चाहूँगा मैं काफ़ी सेटिस्फाई हुआ और इस डिवाइस ने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। 8GB रैम इस फोन के अंदर LPDDR4X वाली, जो मल्टीटास्किंग है वो काइंड ऑफ डिसेंट लगी मुझे। अगर मैं रैम मैनेजमेंट की बताऊं तो 15 ऐप्स बैकग्राउंड के अंदर ओपन करता है, कुछ टाइम के लिए उनको सही मैनेज कर लेता है, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर अगर बात करें तो एक बड़ी गेम के साथ कोई 5-6 छोटी मोटी एप्लीकेशन उनको सही कर लेता है, बाकी कुछ एप्लीकेशन रीलोड भी हो जाती हैं। लेकिन फॉर द प्राइस सेगमेंट में कहूँगा कि रैम मैनेजमेंट का जो एक्सपीरियंस है वो काइंड ऑफ डिसेंट रहा। उसके बाद जो स्टोरेज है ये 128GB वाली UFS 2.2 स्टोरेज है। रीड और राइट की जो स्पीड्स हैं वो अच्छी हैं इस फोन की, तो उसकी वजह से जो ऐप ओपनिंग टाइम है, जो रिस्पॉन्सिवनेस है ऐप्स की, जैसे ही आप उसके ऊपर क्लिक करते हो, तो वो भी मुझे काफ़ी अच्छी लगी। कैमरास की बात करें तो इस फोन की बैक पर ट्रिपल सेटअप देखने को मिलता है। 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी है, साथ में 8 मेगापिक्सल का पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस है। अब ये जो लेंस है इस प्राइस सेगमेंट के अंदर बहुत अच्छा इंक्लूजन है, साथ में 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर है। अब मैं समझता हूँ 2 मेगापिक्सल डेप्थ की जगह अगर कोई अल्ट्रा वाइड सेंसर होता तो ज़्यादा बेटर हो जाता। और फ्रंट साइड के ऊपर 16 मेगापिक्सल की सेल्फी है। अब आइए मैं आपको कंप्लीट कैमरा सैंपल दिखाता हूँ और जो कैमराज के साथ मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता हूँ आपके साथ। डे लाइट फोटोग्राफी की बात करें तो जो जीरो एक्स न्यू के कैमराज हैं वो काइंड ऑफ डिसेंट डिटेल्स ले लेते हैं, बट ये है कि जो स्काइज की डिटेल है, बैकग्राउंड के अंदर जो ज़्यादा लाइट है उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसके लिए, ऑल्दो HDR मोड ऑन था। अब ये पोर्ट्रेट मोड है, यहाँ पे HDR मोड होता नहीं है कैमराज के अंदर, तो लाइट एक्सपोज हो जाती है थोड़ी सी, तो डिटेल ओवरऑल सही है, लेकिन जो ब्लर का एरिया है वो समटाइम कहीं से मिसिंग करता है। लाइक इस फोटो में आप देख सकते हो ब्लर नहीं किया इसने इस एरिया को। और उसके बाद ये दो पिक्चर्स क्लिक की हैं, एक पे एक्सपोजर सही है, एक पे थोड़ा सा अंडर एक्सपोज कर दिया, सिचुएशन सेम है दोनों पे। कुछ अदर फोटोज़ की बात करें तो काइंड ऑफ गुड डिटेल्स आप ले सकते हो अगर आपको कैमरा प्रॉपर यूज़ करना आता है, घुमाना आता है, उसको एक फेवरेबल डायरेक्शन देना आता है कैमरा को। तो ये इमेज अगेन राइट साइड वाली आप देखें थोड़ी अंडर एक्सपोज कर दी, हालांकि सेम लाइटिंग कंडीशंस थी। अब मैं लो लाइट के अंदर आ गया हूँ, इसकी कैमरा मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब ये जैसे ही मैंने नाइट मोड को ऑन किया तो सॉफ्ट इमेज से थोड़ी सी ना शार्प हो गई है इमेज, तो ये डिटेल आप देख सकते हो, डिटेल्स बेहतर हो गई हैं। अब ये पोर्ट्रेट मोड है लो लाइट में, यहाँ पर काफ़ी सॉफ्ट है इमेज और थोड़ी सी अंडर एक्सपोज भी है। ये कुछ मैं आपको नाइट मोड और सिंपल मोड के सैंपल्स दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। तो नाइट मोड ऑन करने से डिफरेंस तो आता है थोड़ा सा। चांद का जूम देख लेते हैं भाई, यहाँ पे फोन को मैंने ट्राईपोड पे लगाया हुआ है, और क्योंकि हैंड हेल्ड में ज़रा डिफरेंट सिचुएशन बन जाती है, तो ये जैसे मैं क्लिक करूँगा एक साइड पर मैंने ट्राईपोड वाला शॉट रखा है, एक साइड पर मैंने हैंड हेल्ड वाला रखा है, सिचुएशन आपके सामने है सारी। वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हो तो 4K 30 FPS फ्रंट और बैक दोनों पे है, 1080p 60 FPS फ्रंट और बैक दोनों पे है। अगर लाइट के ऑपोजिट डायरेक्शन में वीडियो रिकॉर्ड करते हो तो डे
डिटेल्स ठीक हैं और स्टेबल मोड आपको 1080p 30fps पे मिलता है, फ्रेम्स भी थोड़े स्किप होते हुए नज़र आए और EIS काम करता है, और यहाँ पे बुके वीडियो भी आप देख सकते हो। तो एजिस जो है ना वो डिटेक्ट करने में इशू आया, क्वालिटी इतनी मज़े की नहीं लगी मुझे। स्लो मोशन 120fps 1080p के ऊपर डिटेल्स अच्छी हैं, 240fps 720p पे डिटेल्स मुझे इतनी मज़े की नहीं लगी, ऑल्दो 960fps भी आपको मिलता है। पेरिस्कोप टेलीफोटो सेंसर की बात करें तो 5x तक आपको ऑप्टिकल जूम मिल जाता है, जो एक हार्डवेयर बेस्ड जूम है और कुछ बेटर डिटेल्स को मैनेज कर लेता है। बट जो 60x वाला जूम है, जो डिजिटल जूम है, आप इसको फुल जूम के ऊपर मतलब लेके जाते हो ना 60x के ऊपर, तो जो पिक्चर है वो पिक्सलेट हो जाती है, मतलब यूजेबल नहीं रहती इतनी। और दूसरा ये है कि सेल्फी की अगर बात करता हूँ तो ठीक है, मतलब थोड़ी सॉफ्ट लगी मुझे डे लाइट की सेल्फी भी, और अगर थोड़ा सा क्लिक करते हैं हार्श लाइटिंग है बैक साइड के ऊपर तो ओवर एक्सपोज कर जाता है, HDR कौन करते हैं तो डिटेल वापस आ जाती है, लाइक इस वीडियो में आप देख सकते हो HDR कौन किया, डिटेल्स वापस आ गई। और बस ये है कि ठीक है, गुजारा चल जाएगा, सेल्फीज़ वगैरह काइंड ऑफ डिसेंट आ जाती हैं, ब्यूटी मोड में ज़्यादा स्किन को सॉफ्ट कर देता है, उसके अलावा पोर्ट्रेट मोड के अंदर ब्लर के साथ ब्यूटिफिकेशन अप्लाई करता है, ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी। यहाँ पे पोर्ट्रेट में ज़रा स्किन टोन भी पिंकिश कर दिया इसने, अब यहाँ पे दूसरे पोर्ट्रेट में स्किन टोन सही है सेम सिचुएशन पे। अब लो लाइट में आते हैं तो सॉफ्ट है सेल्फी, लेकिन नाइट मोड ऑन करने पे थोड़ी क्रिस्प हो जाती है डिटेल्स वगैरह। लो लाइट में जो पोर्ट्रेट है वो भी HDR की इतनी मज़े की नहीं है, सॉफ्ट निकल के आती है पोर्ट्रेट। और वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करते हैं तो 4K तक जाता है फ्रंट साइड से भी, 1080p 60fps भी है, और मैं 1080p 30fps वाला वो मेरे से क्लिप डिलीट हो गया, लेकिन स्टेबल मोड उसी के अंदर है, थोड़ा क्रॉप सेंसर यूज़ करता है। बाकी जो ब्यूटिफिकेशन के अंदर चीज़ें हैं, वीडियोज़ की डिटेल हैं, वो सारी आपके सामने हैं। और इस फोन में आपको 90Hz वाला एक बिग IPS डिस्प्ले देखने को मिलता है, फुल HD प्लस के रेजोल्यूशन है और 6.78 इंचेस यहाँ पे डिस्प्ले का साइज़ है। डिस्प्ले को यूज़ करते हुए जो स्वाइपिंग स्क्रॉलिंग एक्सपीरियंस है वो काफ़ी स्मूथ है, और बाकी है कि रिफ्रेश रेट को आप ऑटो पे भी स्विच कर सकते हो, जहाँ पे एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन चेंज होता है, बैटरी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है थोड़ी सी, लेकिन बिकॉज जब हाई रिफ्रेश रेट अवेलेबल है तो एक स्मूथ फील के लिए उसको मैं हाई भी रखता हूँ। तो 180Hz का जो टच सैम्पलिंग है इस फोन का, टच रिस्पॉन्स भी सही है, यूज़ करते हुए गेमिंग खेलते हुए कहीं पर भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि इसका टच मिसिंग कर रहा, कैसे सही है एक्सपीरियंस टच रिस्पॉन्स को लेके। जो वीडियो वॉचिंग एक्सपीरियंस इसके डिस्प्ले के साथ, डिस्प्ले के जो कलर्स हैं, जो शार्पनेस है, जो कंट्रास्ट है, वो सही है, डिस्प्ले के ऊपर वीडियोज़ का एक्सपीरियंस सही रहा, इवन व्यूइंग एंगल्स भी सही थे। एक दो चीज़ें हैं यहाँ पे जो मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जो आउटडोर विजिबिलिटी डायरेक्ट सनलाइट के अंदर हार्श लाइटिंग में है वहाँ पे ये पैनल थोड़ा सा स्ट्रगल करता है, तो विजिबिलिटी वहाँ पे कम रहती है हार्श लाइटिंग में। जैसे ही आप थोड़ा शेडो एरिया में आ जाते हो, लाइक ट्री के नीचे आ गए या क्लाउडी वेदर है, तो वहाँ पे मतलब मामला सही है, आउटडोर में भी वहाँ पे इशू नहीं आता विजिबिलिटी का, सिर्फ हार्श लाइटिंग में है। दूसरा, वाइड वाइन L3 का सपोर्ट है, तो जो मैं समझता हूँ वाइड वाइन L1 होना चाहिए था, आजकल इंटरनेट का दौर है, फुल HD प्लस डिस्प्ले का मजा आप OTT प्लेटफॉर्म के ऊपर नहीं ले सकते। और सॉफ्टवेयर इस फोन में इन्फिनिक्स का XOS 7.6 वर्जन है बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11, एंड द गुड थिंग इज इस फोन में मुझे एड्स का इशू कहीं पे भी नजर नहीं आया, एड्स को काफी हद तक कंट्रोल कर लिया इन्फिनिक्स ने। कुछ प्री इंस्टॉल एप्लीकेशन ब्लॉटवेयर्स हैं जिनको आप अनइंस्टॉल कर सकते हो, जो अनइंस्टॉल नहीं होती ऐप उनको डिसेबल करके थोड़ा एक्सपीरियंस को मतलब इन्हेंस कर सकते हो। कुछ सिस्टम ऐप्स हैं जो बार बार नोटिफिकेशन भेज के ना इरीटेट करती रही मुझे, जैसे नोटिफिकेशन की साउंड आता है तो मतलब ध्यान जाता है फोन की तरफ, तो जो ऐप्स हैं उन पर लॉन्ग प्रेस करेंगे, ऐप इन्फो में जाए उसके नोटिफिकेशन को डिसेबल कर दें, तो काफ़ी तक आपका एक्सपीरियंस बेटर हो जाता है इसमें। और यह कि जो इन्फिनिक्स के XOS के कुछ फीचर्स मुझे अच्छे लगते हैं, उनमें एक पावर मैराथन का ऑप्शन है, जैसे उसको अपना इनेबल करते हैं तो ज़रा बैटरी लाइफ को एक्सटेंड कर देता है कुछ चीज़ों को कंट्रोल करने के बाद। और अगर डेस्कटॉप के ऊपर है किसी भी साइड से स्वाइप करते हैं तो स्मार्ट पैनल ओपन होता है, यहाँ पर आप शॉर्टकट रख सकते हैं अपनी कोई ज़रूरी जो ऐप्स हैं उनका। उसके अलावा यूट्यूब चलाई हुई है, किसी भी साइड से स्वाइप करेंगे तो प्लेन बैकग्राउंड का ऑप्शन आता है, उसको सेलेक्ट करेंगे तो आप कोई म्यूज़िक सुन रहे हैं तो वो बैकग्राउंड के अंदर चलेगा, जैसे मर्जी मतलब स्क्रीन ऑफ हो जाएगी। उसके अलावा यहाँ पे फ्लोटिंग विंडो का ऑप्शन है, किसी भी ऐप के अंदर है तो नीचे से 3 फिंगर ऊपर स्वाइप करेंगे तो वो जो विंडो है वो फ्लोटिंग के अंदर आ जाएगी। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स हैं काफ़ी हद तक मुझे यूज़फुल लगे। व्हाट्सएप मोड हो गया इंक्लूडिंग, इनका जो गेमिंग मोड है वो गेमिंग एक्सपीरियंस को इन्हेंस कर देता है, तो UI काफ़ी स्टेबल है, कोई बग का इशू मुझे फेस नहीं हुआ यहाँ पे, ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस सही रहा इस फोन के सॉफ्टवेयर के साथ। बैटरी बैकअप काइंड ऑफ गुड है इस फोन का, 5000mAh की बैटरी है, मेरे नॉर्मल टू मॉडरेट यूज़ में 90Hz के ऊपर रख के ये एक दिन आराम से दे रहा था मुझे, लाइट यूज़र हैं तो 1.5 दिन तक भी चला जाएगा, बाकी अगर हैवी यूज़ करते हैं बैक टू बैक लॉन्ग सेशंस लेते हैं किसी भी मल्टीमीडिया गेमिंग के तो फिर उसी हिसाब से आपको बैकअप मिलेगा। लेकिन जो चार्जिंग टाइमिंग है ये मुझे थोड़े से डिसअपॉइंटिंग लगे, 2 घंटे 20 मिनट ये डिवाइस ले जाती है
बिकॉज 18 वाट की चार्जिंग है और इन्फिनिक्स के नोट 10 प्रो के अंदर हमने 33 वाट की चार्जिंग इस रेंज के अंदर देखी है और मार्केट में कंपटीशन भी 33 वाट का ही चल रहा है। तो आई रियली डोंट नो कि क्या रीज़न है इस डाउनग्रेड का, कि इन्फिनिक्स ने चार्जिंग को क्यों डाउनग्रेड किया। यहाँ पे 30 या 33 वाट की चार्जिंग होनी चाहिए थी। बाकी वो अलग बात है कि नोट 10 प्रो जो था उसकी 33 वाट की चार्जिंग भी 2-2.5 घंटे ले रही थी, लेकिन अपडेट के बाद उसका टाइमिंग थोड़ा सा मतलब 2 घंटे से नीचे आ चुका है और ये 2 घंटे 20 मिनट ले रही है। मतलब मैं एक ऐसा यूज़र हूँ कि मैं अगर 32-33 हज़ार किसी फ़ोन पर लगाता हूँ, मेरे पास भाई 2 घंटे नहीं है, 2 घंटे 20 मिनट नहीं है कि मैं फ़ोन को चार्ज करूँ। तो ये जो डाउनग्रेड है ये नहीं करना चाहिए था, आपको 30 या 33 वाट की चार्जिंग देनी चाहिए थी इस फ़ोन के अंदर। और एक और डाउनग्रेड मुझे इस फ़ोन का अच्छा नहीं लगा इस फ़ोन का, वो है स्पीकर। आपको सिंगल स्पीकर देखने को मिलता है नीचे वाली साइड पे। हालांकि अगर हम देखें इन्फिनिक्स की नोट 10 प्रो या इसके नीचे वाली रेंज की डिवाइसेस, वहाँ पे इन्फिनिक्स स्टीरियो स्पीकर्स लगा रहा है, लेकिन यहाँ पे सिंगल स्पीकर चीज़ें समझ में नहीं आई मेरी कि क्यों ऐसा किया गया। और बाकी है कि मैं साउंड सुनवा देता हूँ आपको, फिर मैं बताता हूँ एक्सपीरियंस। सिंगल स्पीकर के हिसाब से साउंड मैं कहूँगा ठीक है, लेकिन स्टीरियो स्पीकर्स को मैंने काफ़ी मिस किया इस रेंज में। सिक्योरिटी फ़ोन की जो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है, इसकी स्पीड्स काफ़ी अच्छी हैं और काफ़ी एक्यूरेट है ये। और फेस आईडी अगेन काफ़ी स्पीडी वे से और अच्छे तरीके से काम करती नज़र आई। इवन अगर आप लो लाइट इन्वायरमेंट के अंदर, डार्क इन्वायरमेंट के अंदर हैं, तो डिस्प्ले लाइट कंपनसेट करती है, थोड़ी सी आपके फेस के ऊपर फेंकती है, और इवन मतलब अंधेरे में भी जो फेस आईडी है काफ़ी अच्छे से काम करती है। कॉल क्वालिटी फ़ोन की मैं 7/10 रेट करता हूँ उसका। ये 3 नंबर मैंने कहाँ पे काटे हैं, बिकॉज इस फोन में नॉइस कैंसलिंग सेकेंडरी जो माइक होता है वो नहीं है। मतलब आप किसी ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर हैं, आपके सराउंडिंग में एम्बिएंट नॉइस है, पंखा चल रहा है, मशीन चल रही है, कोई भी ग्राइंडर शेंडर चल रहा है, जो अगला बंदा कॉल के ऊपर है सारा नॉइस उसको ट्रांसफर होता है, तो यहाँ पे जो नॉइस कैंसिलेशन माइक है वो लाजमी होना चाहिए था कॉलिंग एक्सपीरियंस को इन्हेंस करने के लिए। बाकी कॉल रिकॉर्डिंग आपको मिल जाती है, इन्फिनिक्स का अपना डायलर है, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग जो चुपके चुपके वाली है वो कर सकते हो। और उसके अलावा इंटरनेट के ऊपर मैंने डेटा कनेक्शन के ऊपर चला के देखा, अच्छी स्पीड्स हैं और वाईफाई के ऊपर भी स्पीड्स अच्छी हैं। सिम का जो सिग्नल रिसेप्शन है वो भी सही आपको मिलता है। कैरियर एग्रीगेशन जो है 4G प्लस वाला, उसका सपोर्ट आपको नहीं मिलता है इस फोन में। और अब आता हूं यहां पे मैं अपने फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर कि इन्फिनिक्स 0X न्यू क्या एक अच्छा पैकेज है या फिर इसके मुकाबले में आपको कोई और बेटर डील मिल जाएगी। तो देखिए प्राइस इस फोन की अच्छी है, 33,000 ऑनलाइन मिल रही है, साथ में गिफ्टिंग है, ऑफलाइन में 31,500 में मिल रही है। इस फोन के फीचर्स के हिसाब से मैं कहूंगा डिवाइस वैल्यू फॉर मनी है। और मौजूदा हालात मतलब महंगाई का एक तूफान है, डॉलर नहीं टिक रहा कहीं पे और कहीं पे टैक्सेस नहीं टिकले, इन्फिनिक्स अच्छी प्राइस इसलिए मैनेज कर पाया बिकॉज ये फोन मैन्युफैक्चर्ड इन पाकिस्तान है, तो ये चीज़ अच्छी है। दूसरा एक परफॉर्मेंस पैकेज है ओवरऑल, आप गेमिंग के लिए लेना चाहते हो, आप परफॉर्मेंस लवर हो, आप इसकी तरफ देख सकते हो। अगर आप मुझे कहते हो कि कैमरा के लिए फ़ोन चाहिए तो मैं कहूँगा ये फ़ोन कैमरा सेंट्रिक डिवाइस नहीं लगी मुझे, बिकॉज इसके कैमरा के अंदर स्टिल इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। कंपैरेटिवली कुछ इंप्रूव किया है इन्फिनिक्स ने अपने नोट 10 प्रो के मुकाबले में, उसको मैंने 7/10 रेट किया था, इसको मैं 7.5/10 रेट करता हूँ। और स्टिल मैं समझता हूँ कि इन्फिनिक्स को अभी कैमरा के ऊपर थोड़ी सी अपनी गेम और अपनी ग्रिप और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है इस फ़ोन को लेकर। तो एज ए पैकेज, एज ए परफॉर्मेंस पैकेज आप इस फोन की तरफ देख सकते हो। आई होप कि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। स्टिल कुछ पूछना चाहते हो तो वीडियो के कमेंट्स में मेरे से पूछ सकते हैं। आप वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो मोस्ट वेलकम, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये वीडियो यहीं तक थी, मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने चाहने वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। बबलू लाहौरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।